हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 रसायन विज्ञान से चैप्टर नंबर 2 विलयन को डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनको सबको डिस्कशन करने वाले हैं केवल एक ही वीडियो में। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न 5 बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 5 बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 1 बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रथम है और ये लघु उत्तरीय द्वितीय रहा आपके सामने। हम 2 प्रश्न बताएंगे इसके, आपको ये 4 अंक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज डोंट स्किप वीडियो, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये रहे आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं विलयन चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। अब ये रहा हमारे आपके सामने पहला क्वेश्चन जो कि है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है, इसका पहला ऑप्शन है 100 mL, ऑप्शन नंबर बी 55.56 mL और ऑप्शन नंबर सी 50 mL, ऑप्शन नंबर डी 18 mL, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है आपके सामने 55.56 mL, इसका सही ऑप्शन यही है, ठीक है, इसमें आप टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज्य है। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज्य क्या है, ठीक है। 0.19, ऑप्शन नंबर बी 0.019, ऑप्शन नंबर सी 0.0019, ऑप्शन नंबर डी 0.00019। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 0.0019। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी श्यानता, ऑप्शन नंबर सी परासरण दाब, ऑप्शन नंबर डी प्रकाशिक सक्रियता। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी परासरण दाब। इसमें मैं गोला लगा दे रहा हूँ, आप इसको सही से देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इसका आपको ऑप्शन नंबर ए है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी है श्यानता, ऑप्शन नंबर सी है परासरण दाब, ऑप्शन नंबर डी है हिमांक में अवनमन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पृष्ठ तनाव, ये है ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव। में गोला लगा दिया हमने, आप लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विलयनों में से सर्वाधिक परासरण दाब है। निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1 mKcl, ऑप्शन नंबर बी 1 mNH4³ और PO4, ठीक है। सी ये है आपके सामने 1 mBaCl₂, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 1 mC6H12O6, ये वाला सूत्र, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वी, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें गोला हमने लगा दिया ऑलरेडी, आप इसको सही कर लीजिएगा। अब ये रहे आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। हमने इनके आंसर अभी नहीं दिए हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो आंसर सहित वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना अगली वीडियो पाने के लिए, ठीक है। मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए, इसको आपको उदाहरण देकर और मोलरता क्या होती है डिफिनेशन इसकी देकर और एग्जाम्पल देकर इसको समझाना, ठीक है। इतना करना आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मोल प्रभाज्य से आप क्या समझते हैं। मोल प्रभाज्य क्या होता है, इसके बारे में डिफिनेशन भी आपको देनी है अपने शब्दों में, ठीक है। ये क्या होता है, आप मतलब कैसे इसको जानते हैं, ठीक है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी परासरण दाब क्या है, परासरण दाब क्या है, इसको आपको पहले करना है। इसका आपको 1 अंक मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद आगे परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए, अगर आप व्यंजक लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 2 नंबर आपके, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है।
चौथा नंबर है पहाड़ी स्थानों पर बर्फ से घिरी सड़कों पर बर्फ साफ करने में नमक का छिड़काव सहायक क्यों है। ओनली थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, केवल थ्योरी आपको लिखनी है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। थ्योरी लिखनी है केवल, कुछ नहीं लिखना, ठीक है। इसको आपको अच्छे से कर लेना है, आधे पेज में कम से कम कर लेना, ठीक है। लघु उत्तरीय जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से करिए। पहला नंबर एक ही क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको, परासरण दाब की परिभाषा क्या है। परासरण दाब की परिभाषा दीजिए क्या है, मतलब इसकी आपको डिफिनेशन देनी है, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसको आप अच्छे से कर लेते, सॉरी। लघु उत्तरी प्रश्न द्वितीय जो कि आते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको आपको अच्छे से कर लेना। राउल्ट का नियम सबसे ज़्यादा फेमस नियम है, इसको आपको अच्छे से कर लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल दोहराया जाता है, ठीक है। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है परिभाषित कीजिए, ये नियम हर साल दोहराया जाता है, तो आप इसको कर लेना। ये हम इसमें कोला किए दे रहे हैं, आप इसको कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही फेमस नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक व मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है, इसको आपको अंतर लिखना है, ठीक है। स्पष्ट कीजिए इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का अणु भार ज्ञात करने के लिए 2 अलग अलग सूत्र लिखिए। इनके अलग अलग सूत्र लिखना है, ठीक है, और इसका उन्नयन कोण भी ज्ञात करना, ठीक है आपको। तो ये भी आपका लघु उत्तरी द्वितीय क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। द्वितीय क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छे से कर लेना। लघु उत्तरीय जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो कि होते हैं 5 नंबर का जो पूछा जाता है, इस चैप्टर में नहीं था तो हमने कुछ नहीं इनको बताया, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।